वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जहेज नहीं देने की स्थिति है। मेरे फादर कैंसर से सर्वाइव है, मदर मेरी पैरालाइज है, तो मैं नहीं दे सकती हूँ। मेरा ये कहना है कि क्या तीन तलाक बेटियों के लिए इस तरह बना है? अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, 2 तारीख को योगी जी आ रहे हैं, मैं अपनी बेटी के साथ मैं आत्मदाह कर लूंगी। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के गुर्गे व कम्मू जाबिर के भाई के पार्टनर सलमान द्वारा अपनी ही पत्नी को 3 तलाक देने के बाद जान से मारने की धमकी देने का पत्नी ने आरोप लगाकर प्रेस वार्ता की है। प्रयागराज के सिविल लाइन स्थित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के नारद सभागार में करैली क्षेत्र की रहने वाली महिला ने अतीक अहमद के गुर्गे मोहम्मद सलमान पर अपने साथ 7 साल बाद तलाक शादी के देने का आरोप लगाया है और जान से मारने की धमकी दी, ये भी कहा है। महिला के मुताबिक उसने कई जगह न्याय की गुहार लगाई लेकिन न्याय नहीं मिल पाया। आज महिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा अगर न्याय नहीं मिल पाता तो वे अपनी 6 साल की मासूम बेटी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने आत्मदाह कर लेगी। महिला का कहना था कि क्या 3 तलाक इसीलिए बना है कि जब चाहा साथ रखा और जब चाहा छोड़ दिया, और ऐसे में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाते हुए क्या कुछ कहा है महिला ने, आइए दिखाते हैं। और समस्या ये है कि मेरे हस्बैंड मोहम्मद सलमान जो अतीक अहमद के गुर्गे हैं और कम्मू जाबिर के साथ भाई के साथ पार्टनरशिप में हैं, और इनका ये रहा कि हमेशा से ये डराना धमकाना रखते थे और इनका काम, इनकी चीजें, इन 3 तलाक देकर इन्होंने मुझे ये फारिग कह दिया कहकर कि हम उनके आदमी हैं, अगर आप ऐसा कुछ करती हैं, मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी करती हैं, तो हम आपको जान से मार देंगे। हमेशा इनका यही रहा, लड़ाई झगड़ा रहा। एक औरत अरीजा खान के पीछे जो इनकी दूसरी पत्नी है, जो चीजें हैं वो उन चीजों में साथ रहे, इसी तरह ये डराते धमकाते रहे मुझे। अब पता चला कि अतीक अहमद क्या, मुझे 2 महीने पहले पता चला कि अतीक के आदमी है, क्योंकि एक जमीन इन्होंने जो मेरे नाम से ली थी जिसमें हीना सिद्दीकी की जगह हीना कौशल डाला था इन्होंने, तो उन लोगों ने इनके ऊपर FIR किया था। इस बिना पर मुझे पता चला एक पेपर से कि ये भू माफिया हैं जो कम्मू जाबिर के छोटे भाई के साथ अभी एक जमीन के मामले में इनके नाम FIR हो रखा है। 3 तलाक पारिवारिक मामले को लेकर कहां आपने शिकायत की है, क्या कार्रवाई की है? 3 तलाक के मामले में मैं महिला थाने गई हूँ, कमिश्नर ऑफिस गई हूँ, कई जगह गई हूँ, कहीं कोई कार्रवाई, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। परिवार परामर्श केस में भेज दिया गया, जहां मैं अकेले हमेशा जाती हूं। इस विपक्षी का कोई आना जाना नहीं है वहां पर। क्या मांग है? मांग ये है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मेरी बेटी के साथ है, मैं किराए के मकान में रहती हूं। ये मुझे टॉर्चर करते हैं कि जहेज के लिए, जहेज नहीं देने की स्थिति है। मेरे फादर कैंसर से सर्वाइव है, मदर मेरी पैरालाइज है, तो मैं नहीं दे सकती हूं। मेरा ये कहना है कि क्या 3 तलाक बेटियों के लिए इस तरह बना है? अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, 2 तारीख को योगी जी आ रहे हैं, मैं अपनी बेटी के साथ मैं आत्मदाह कर लूंगी। अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो क्या बेटी इतनी इजी हो गई है कि आप 8 साल किसी की लड़की को रखते हैं, उसकी इज्जत आबरू मान सम्मान सब तार तार कर देते हैं, और ये करने के बाद आप 3 तलाक का पेपर उसके मुंह पे मार देते हैं और कहते हैं चलो निकलो यहाँ से, मैं अपनी बेटी के साथ कहाँ जाऊंगी? मुझे इंसाफ चाहिए। आज तक मुझे अतीक अहमद के नाम से यह डराता आया है। इस डर से जब इसने मेरे साथ केस किया 5 तारीख को, तो मैं गई नहीं पुलिस स्टेशन, आने गई वहां बताया, तो उन्होंने कहा अतीक अहमद के गुर को अब तक आप अपने घर में रखी थी, जब मुझे पता चलेगा तभी मैं बताऊंगी। कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि इंसाफ चाहिए, इंसाफ नहीं मिला तो बेटी के साथ आत्मदाह कर लूंगी। ये आखिरी मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो आखिरी मेरा सब कुछ कहना है, पूरी पूरी जनता से ये आखिरी कहना है। अगर ये नहीं कोई अधिकारी मेरी बात सुनता तो मैं मार डालूंगी अपने आप को अपनी बेटी के साथ। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि बगैर पैसे जिंदगी नहीं जी जा सकती है मेरी छोटी बेटी। 2021 में एक मुकदमा हुआ था ज़ाहिदा बेगम के नाम से, जो मुझे अभी थोड़े दिन पहले पता चला है, मेरे केस के बाद पता चला। मोहम्मद सलमान उर्फ मोनू उर्फ कुल्लू, ये कई नाम से हैं, इनके कई एड्रेस अलग अलग नाम से है, कई आधार अलग अलग नाम से हैं। फ्रॉडी टाइप का आदमी है जो सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड करता है। जिसने मुझसे निकाह किया 2017 में, मेरी पहली शादी मुंबई में हो रखी थी, तलाक होने के बाद इसने मुझसे 2017 में बेला फुसला के निकाह किया। उतने समय बैठी थी तो मैंने निकाह किया कि एक सहारा एक सपोर्ट था, सिर्फ और इसे मेरे पैसों से लालच रही, मेरी चीजों से चलता रहा रिश्ता। मेरी 6 साल की बेटी हुई मायरा सलमान,
जिससे रिश्ते अच्छे चले, मगर कहीं हर साल एक नई लड़की, अफेयर, एक नया, हर चीज इनका मेंशन रहा। रिश्ते को सुधारते करते चलते मैंने बहुत प्रयास किया कि ये रिश्ते मुझसे चल जाएं, बहुत कोशिश की। फिर 3 अगस्त को एक अरीजा नाम की लड़की, जो इनकी महिला मित्र है, जिनकी मदर कपड़ा सिलती हैं, इनके अकॉर्डिंग में उनके घर जाने आने लगी, ये कह के कि ये बुटीक का काम करती। मेरी उनसे पहचान हुई, घर आना जाना हुआ। इनका उनसे अफेयर रहा, जिनके टॉर्चर में ये मुझसे तो दहेज की मांग करने लगे, क्योंकि मेरी ये लव मैरिज थी और सेकेंड थी। ये मांग करने लगे कि मुझे अब पैसे चाहिए, पिताजी मेरे कोई सरकारी एम्प्लॉय नहीं है कि इस देने। प्रेजेंट टाइम मेरे पिताजी कैंसर से सर्वाइव है, माताजी मेरी पैरालाइज है। जो उन्हें पता था, बड़ी बात है कि मेरे घर में कोई ऐसा सपोर्टेड आदमी नहीं है जो मुझे सपोर्ट करे फाइनेंशियल। नवंबर में ये जे, जे, मेरे साथ न्यू ईयर शिमला में मनाया इन्होंने, दिल्ली में मनाया, शिमला में मनाया, और मेरे साथ रहकर पूरी प्लानिंग की। मेरा जेवर ले गए, धीरे से अपने सारे कपड़े, अपने डॉक्यूमेंट, सब कुछ ले गए, सारे सामान ले गए, सारे एविडेंस ले गए ये घर से, धीरे धीरे खाली प्री प्लान पूरा किया। फिर मैंने इनसे ये चीज कही कि आप सामान लेके जा रहे हो वापस घर आओ, छोटी मोटी हमेशा हमारी लड़ाई होती थी, मगर ये प्लान के साथ सारा सामान घर से ले गए, सब कुछ ले गए, मुझे जीरो बैलेंस पकड़ दिया। बैंक करप्टेड थे इसलिए मेरे अकाउंट से सारा काम होता था। मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ, 9 तक पढ़ी हूँ मैं, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने मुझे बेवकूफ बनाते हुए मेरे अकाउंट से सारे पैसे खाली कर लिए, सारी चीजें कर ली, मेरा जेवर सब कुछ ले गए, बेवकूफ बनाए रहे। 8 साल से किराए के मकान में हूँ। फिर 9 तारीख को ये मेरे घर आते हैं, अभी 9 फरवरी को ये मेरे घर आते हैं। इनका कहना था मकान मालिक के थ्रू मैं सुलह समझौता करूंगा। मैंने इस पे भी हामी भरी, ये होने के बाद भी मैंने हामी भरी कि ये 6 साल की बेटी जो मेंटल ट्रॉमा से झेल रही है, पिता को बहुत प्यार करती है, इसकी वजह से हर सेक्रीफाइस सिर्फ औरत करे, क्या 3 तलाक औरत के ही हक में है कि कभी भी आप आइए, 8 साल आप रखें, आप यूजबल है, यूज किया आपके पारिवारिक जीवन में अतीक का कनेक्शन, आप चीजें कुछ मत करिए, आप सुलह समझौता कर लीजिए, वरना हम आपके अकॉर्डिंग केस करेंगे या कुछ भी करेंगे, ऐसी धमकी दिया। और हम 3 तलाक पढ़ते हैं, तो पिताजी ने मेरे कहा कि 3 तलाक, और ये हमेशा कहते थे क्योंकि हम अतीक के आदमी है, अतीक से ही हमेशा जुड़े रहे हैं, हमेशा उनके कहने से मेरे पास एविडेंस है। 2021 में एक मुकदमा हुआ था इनका, जो जमीन मेरे नाम थी वो जाहिदा बेगम की थी, इसके अकॉर्डिंग मुझे एक पेपर मिला जो इनके ही पास से मिला, इनके मोबाइल से मिला, जो मेरे पास एज ए एविडेंस रखा है, जिसमें नसर गद्दी, मोनू गद्दी उर्फ सलमान और राहिल हसन जो कम्बू जावेद के छोटे भाई हैं, जिसमें नसर इस टाइम वारंट पे चल रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी है, 28 तारीख की इनकी कोर्ट में भी हेयरिंग है, सुनवाई है, जो भी है, मुझे इसके अकॉर्डिंग पता चला कि ये अतीक के आदमी है। और ये करली थाने में ये रिपोर्ट दर्ज भी है जहां तक मुझे जानकारी है। और ये आपके कुछ सोशल मीडिया पे भी ये कुछ वायरल थी इनकी रिपोर्ट, जिसकी जानकारी नहीं है मुझे पूरी तरीके से, इस तरीके से मैं जान पाई इनके। अभी थोड़े दिन पहले कभी मेरे पास कुछ पेपर और प्रूफ रखा है, जिसमें इनके बड़े भाई के ऊपर भी मारपीट का भी रखा है, गद्दी होने के बावजूद ये मारते पीटते दबंग टाइप के सारे भाई बहन है। आपके अपने पारिवारिक जीवन में अभी तक जो भी कलेश या कलह आए हैं, इसके लिए आपने क्या कार्रवाई की है, कहाँ कहाँ गई? सर करैली थाना गई हूँ मैं, जिसमें कोई सुनवाई नहीं, परिवार परामन केस में वो मेरा केस भेज दिया गया कि आपस का मामला है, आप 2 महीने हो गया, कोई सुनवाई नहीं, ना विपक्षी आता है बात करता है, वो सिर्फ धमकी देता। आज भी उसकी माता का मुझे धमकी आया है, आज भी मेरे फोन पे आज की भी धमकी रखी है। तो मुझे जान से मारने की ऐसी प्लानिंग चल रही है, जिनके थ्रू बताया गया, उनके घर का सदस्य है जिसने कल रात में मुझे बताया गया कि आप मार दिए जाओगे। मैं, मेरी बेटी अकेले रहते हैं किराए के घर पे, अगर मुझे कुछ होता है तो इसमें मोनू, मोहम्मद सलमान, अरीजा खान जो उनकी दूसरी पत्नी है प्रेजेंट टाइम, जिसके पास साक्ष्य मेरे पास सिर्फ यही है कि उन्होंने जब 9 को मेरे घर सुलह समझौता करना है तो बहुत प्यार से मैंने उनसे पूछा है 2-4 शब्द, जिसमें उन्होंने अपनी शादी का बात कही और उन्हें छोड़ने की भी बात कही कि मैं उन्हें छोड़ना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। फिर ये कहकर वो चले गए। दूसरे दिन जब मैंने उनको कॉल किया तो एक मैसेज आता है कि आप मुझे किसी धमकी में फंसा नहीं सकती हैं, आपने जो पहले किया है अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ। उसका भी मेरे पास शॉर्ट स्क्रीन उनके फोन का रखा है, तब से अब तक वो अपना फोन बंद करके भागे हैं। 3 तलाक उन्होंने मुझे दिया है और 3 तलाक के हसन उन्होंने भेजा है। नवंबर
नवंबर 29 नवंबर 23 को इन्होंने तलाक हसन अप्लीकेट किया था, 5 जनवरी तक मेरे साथ रहे, अब तक क्या कर रहे थे मेरे साथ, अब तक ये मेरे साथ क्या कर रहे थे। तो तीनों तलाक एक साथ दिया इन्होंने? जी जी, तीन तलाक उन्होंने एक साथ दिया है। अभी इस पे आप क्या चाह रहे हैं? सुनवाई चाह रही है कि तीन तलाक पे क्या, मतलब मैं ये देखना चाहती हूँ क्या महिला, मुस्लिम महिला की ये कहते हैं योगी राज में कि आप तीन तलाक पढ़कर ऐसे दर बदर कर दीजिए, छोटी सी बच्ची लेकर मैं दर बदर, मैं किराया दूं ना, मैं माता अपने मम्मी डैडी से मांग सकती हूँ पैसा इस टाइम, क्योंकि वो खुद ऐसे है कंडीशन में, या तो फिर मैं उनको दहेज दूं, या मैं उनको दहेज दूं, और या फिर मैं अपनी बेटी के साथ सर्वाइव करूं। लास्ट ऑप्शन है, अगर सुनवाई नहीं होगी दो को योगी जाएंगे, मैं उनके साथ लास्ट ऑप्शन है, मैं आत्मदाह कर लूंगी। और ये मेरी मीडिया में आकर बोलने का सबसे बड़ा रीजन है कि कहीं भी सुनवाई नहीं इस बात की, और मेरा आखिरी ऑप्शन, अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई, अगर बेटी के साथ इस तरह हो रहा है, कहीं कार्रवाई नहीं करेंगे, तो मैं आत्मदाह कर लूंगी खड़ी होकर। कमिश्नर ऑफिस, डीएम ऑफिस, एसएसपी ऑफिस, सब जगह जा चुकी हूँ, अब मैं नहीं लड़ सकती हूँ, ना मेरे पास इतना पर्याप्त पैसा है, ना अपनी घर में मैं मेरी बेटी के साथ आत्मदाह कर लूंगी अगर मेरी सुनवाई कहीं नहीं होगी। तो इस तरह खुलेआम आप किसी को तलाक दे देंगे और दूसरी शादी करके आप आराम से घूमेंगे, मतलब क्या हमारी जिंदगी इतनी दो कौड़ी की है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमारी कोई कीमत नहीं है, हम कहीं भी दर बदर हो, किसी की लड़की की इज्जत 8 साल आपने दर बदर कर दी, अब आप ये कहते हैं कि हम नहीं रहेंगे आपके साथ, तीन तलाक आपके मुंह में मारो, फारिग किया, क्या हमारी हमारी फिर हमारा जीना क्या फायदा है, वो हमारे इससे पहले खुद ही मर जाए। अगर हमारी कहीं सुनवाई नहीं है इस पर, परिवार बरामद केस में भेजा गया है, आगे गया है, तो अब तक कोई सुनवाई 1.5 महीने में क्यों नहीं हुई? मैं हर सुनवाई में जाती हूँ, वो किसी सुनवाई में नहीं आता है। आखिर में क्या हम किस तरह चलाएंगे अपना खर्चा, किस तरह अपना खर्चा चलाएंगे? मैं रोज करेली से सिविल लाइन तक अगर 100 रुपए भी किराया लगाऊं तो 200 रुपए आने जाने का किराया है, मैं मेरी औकात नहीं है 200 रुपए देने की। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।